नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देखेंगे जॉब इवेल्युएशन विच इज द थर्ड यूनिट ऑफ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एज पर द आरजीपीवी सिलेबस। जॉब इवेल्युएशन दैट मीन्स यू हैव टू इवेल्युएट द जॉब इन रिवर्स वे। वी कैन से व्हाट आर दोज क्वालिटी फॉर द जॉब एंड व्हाट आर दोज क्वालिटी दैट फॉर यू निगोशिएट फॉर द सैलरी एंड एज पर योर सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल यू गेट दी फैसिलिटी। जॉब इवेल्युएशन बेसिकली वी डू द इंटरनल अलाइनमेंट एज पर योर कैलिबर, देन जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शंस, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव टू परफॉर्म एंड देन जॉब इवेल्युएशन एंड जॉब स्ट्रक्चर। जॉब इवेल्युएशन इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट ट्राइज टू मेक ए सिस्टमेटिक कंपेरिजन बिटवीन जॉब्स टू एसेस देयर रिलेटिव वर्थ और सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए नेशनल पे स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स, इट इज द रेटिंग ऑफ जॉब्स अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिकली प्लान्ड प्रोसीजर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेटिव सैलरी फॉर ईच जॉब। इट मे इंक्लूड जॉब ग्रेड्स, स्कोर, लेवल ऑफ रेटिंग। Another is job evaluation process evaluate position for what position you are fit. Merit rating या performance appraisal that we have already seen both are same. How do you evaluate the performance of an employee? That means you see abilities and aptitudes. Ability and aptitudes. The personnel management should know these differences to develop various development program. Merit rating technique has been evolved to know the relative value of the employee on the job in comparison to other similar worker. Merit rating is used for measuring the performance of an employee and comparing it with that of others in the same group. Group should be same. For example, physics teacher, that means only physics teacher. According to Denayer, merit rating is an assessment according to individually ability may be rewarded by additional payment or incentives. These are few of the factors which influence the production, like type of product, quality of the machine, natural factors, technical progress, that means technical knowledge or technical machines, political factors, infrastructure facilities, technical knowledge and the character of the people, that means willingness of the people, whether they are working in what kind of mentality. Factors which influence the productivity is product factor, plant and equipments, technology, material and energy, human factors, work procedures, management, how much the top management is supporting the workers, structural adjustments, natural resources, government and infrastructures. अब जाते जाते हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आज आपने जो वीडियो देखा काफी कुछ समझ में आया होगा, और यदि आपको कुछ कम समझ में आया है तो इसको आप एक बार और देखिए। साथ में ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो टॉपिक था उससे रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमेशा प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर 200 प्लस वीडियोज उपलब्ध हैं। और इस वीडियो के द्वारा जो नॉलेज मिला, जो आपकी स्किल डेवलप हुई और हमने जो अपने अनुभव शेयर किए, हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके जीवन में नित नई उन्नति के द्वार खोलेंगे। और जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में ही यह मुस्कुराहट अपने दोस्तों के साथ भी, अपने क्लासमेट के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।